भी टाइम हो रहा है 12:10 रात के, कह लो या फिर सुबह के, नहीं रात के ही होंगे, रात के 12:10 हो रहे हैं और अभी सारा काम कंप्लीट हुआ है। देखो अभी लैपटॉप बंद किया, चार्ज हो रहा है, अभी सारा काम खत्म हुआ है और यार काफ़ी टाइम लग गया। तो मतलब वैसे कल संडे है इसलिए मैं बैठ गया था, नहीं तो मैं इतनी लेट तक नहीं बैठता। और अब तो बहुत नींद आ रही है, थक गया तो सुबह से, और बस अब सोने जा रहा हूँ। सुबह उठेंगे आराम से क्योंकि संडे है, संडे है, आराम से उठेंगे। और सारे सो गए, अभी किसी की आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ मेरी आवाज़ आ रही है इसलिए मैं भी थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। और बस अभी सोने चलते हैं और सुबह मिलते हैं, बाय। तो वैसे तो यूजली मैं ड्राइंग रूम में बैठ के काम करता हूँ क्योंकि इधर वाले रूम में दादी और दीदी सोते हैं और इधर वाले रूम में मैं, पापा और मम्मा सोते हैं, इसलिए उनको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं ड्राइंग रूम में बैठता हूँ। लॉबी में बैठ सकता हूँ लेकिन वहाँ पे फिर आवाज़ जाती है ना, इसलिए मैं फिर यहीं पे बैठ जाता हूँ आके। और बस अब तो थक गया मैं, आँखें बंद हो गई लिटरली, बस अब मैं सोने जा रहा हूँ, बाकी की बात सुबह करेंगे। कैसा लगा कल का व्लॉग, ये भी पता नहीं, 9 बजे सुबह लाइव हो जाएगा लेकिन मैं शायद बाद में उठूँ, शायद आवाज़ आ रही है अंदर से। गाइस टाइम इज 11:10 इन द मॉर्निंग और अभी मैं उठ चुका हूँ। आज थोड़ा सा लेट उठा क्योंकि आपने देखा ही होगा रात को मैं थोड़ा भी लेट सोया था काम कुम करके अपना। और अभी मैं उठ चुका हूँ, मैं सीधा नहाता हूँ फिर रेडी होता हूँ, फिर उसके बाद ही मिलता हूँ। नहा के रेडी हो चुका हूँ और देखते हैं अभी ब्रेकफास्ट क्या करते हैं। वैसे ब्रेकफास्ट नहीं रहा अब तो ब्रंच हो गया या फिर सीधा लंच ही करते हैं, नहीं पर कुछ तो भी खाना पड़ेगा ना, दूध पी लेता हूँ या तो देखते हैं क्या करते हैं, नहीं तो फिर ब्रेड ऑमलेट है ही है वो खा लेंगे, देखते हैं बाकी क्या खाते हैं। जब अपनी आज का व्लॉग भी लाइव हो चुका है तो 13th व्लॉग सक्सेसफुली अपलोडेड और अभी मैं वही देखने लगा हूँ रेडी होके। सबसे पहला काम अपना व्लॉग देखना, उसके बाद किसी और का। आज में हमारे पास ब्रेड ऑमलेट है और साथ में है सॉस, ये थोड़ी सी यहाँ पे लगी, सॉरी मतलब इग्नोर करना थोड़ा सा। और अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, मतलब ब्रंच करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस आज है संडे और आज है लॉकडाउन, वैसे तो काफ़ी बंदे निकल रहे हैं, आज लग नहीं रहा लॉकडाउन है लेकिन यार फिर भी धूप इतनी है, लोग कम ही निकलते हैं, बहुत धूप है तो बहुत गर्मी है। मैं कहता हूँ फिर से बारिश आ जाए आज, नहीं कल आ जाए, बहुत है कुछ भी कहो, खड़ा नहीं हुआ जा रहा बाहर। जान नहीं सकते मतलब कि आज 25 है, 25 और 26 को शादी, 26 को शादी है आज, हल्दी है और मेहंदी है, इसलिए अब जा तो सकते नहीं, अब वीडियो कॉल पे हो सकता है जो हो सकता है। मैंने लैपटॉप से HDMI करके कनेक्टेड लगा दिया टीवी में और अभी सॉरी अभी चल रहा है सारा फंक्शन, हम देख रहे हैं और आवाज़ आ रही होगी आई ना, और अभी देखते हैं कल का भी ऐसे निकलेगा फंक्शन, जा तो सकते नहीं यार, क्या ये कोरोना, नहीं तो इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा था आपको, बाकी दिखा देता हूँ थोड़ा और दिखा देता हूँ। और मैं अभी एक वीडियो की एडिटिंग करने लगा हूँ, वो देखते कब तक ओवर होती है और एडिटिंग करके मतलब कि मैं 25 नहीं आज कितनी होगी 25 होगी आज हाँ 25 है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कल का तो व्लॉग आ रहा है, परसों डालूंगा शायद, ये 27 को डाल दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, 27 को ये वाली वीडियो आ रही है जो मैं एडिट कर रहा हूँ अभी। और
वाली क्लिप को देख के लग रहा आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा कि इस बारे में यह वीडियो, और बस ये देखते हैं कब तक एडिट होती है। वैसे तो ये 11 क्लिप से बनी थी इसको, मतलब जब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रहा था ना 9.9 GB की सारी वीडियोस थी टोटल मिला के, तो अभी देख रहा हूँ थोड़ी छोटी हो जाए, अगर 15-16 मिनट की होगी तो बहुत है। और अभी बस करता हूँ एडिट, उसके बाद मिलता हूँ, रात को ब्लॉग भी एडिट करना है, फिर काम बहुत है। अभी तो वैसे फ़ोन की बैटरी 4% थी, नहीं 10.7 थी जो मैंने लगाया था, लेकिन उसको भी 2-3 घंटे हो गए हैं और अभी मैंने देखा तो 2% है। पता नहीं शायद बटन नहीं ऑन हुआ हो या फिर तार नीचे से लगी होगी, जो इसे तार पर लगाता हूँ, नहीं तो 2% बैटरी रहेगी। अभी स्नैक्स में हमारे पास पोटैटो बाइट्स हैं और साथ में है सॉस। टाइम हो रहा है कुछ 8:07। अभी टाइम हो चुका है 9 और अभी एडिटिंग ओवर हो चुकी है वो वाले वीडियो की, और बस अभी तो मैं मतलब बहुत टाइम लग गया, मुझे पता था इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना, इसलिए ना मैं पूरा एकदम फ्री होकर, जब मेरे को पता था कि कोई काम नहीं है तब मैंने शुरू करी इस वीडियो की एडिटिंग। अभी रेंडर हो रही है, रेंडर होने में इतनी लंबी 18 कुछ मिनट की वीडियो है, इतनी लंबी पता नहीं कब रेंडर होगी। और बस अभी डिनर करते हैं, फिर उसके बाद एडिटिंग करते हैं, फिर ब्लॉग की, फिर उसके बाद एंड करते हैं। टाइम इज 9:36 और अभी डिनर हो चुका है, रेंडर हो चुकी है, मतलब उसको मैंने रख दिया है जहाँ पे, संभाल के रख दिया है, परसों चौथे डाल दूंगा जब भी मन करेगा। और बस अभी एडिटिंग शुरू करता हूँ अपने इस ब्लॉग की, अभी ट्रांसफ़र करता हूँ सारी फाइल्स, उसके बाद फिर एंड करते हैं आज के ब्लॉग को। तो आज का ऐसा ही दिन गया, कुछ फंक्शन था लेकिन वो रहा वीडियो कॉल पे, मतलब कोरोना इतना बढ़ रहा है इसलिए जा नहीं सकते, 20% की वो है कि जा सकते हैं, 20% जा सकते हैं सिर्फ, शादी में भी इतने जा सकते हैं, और कल शादी है 26 को, देखते क्या बनता है, वीडियो कॉल पे देखेंगे वैसे तो शायद, बाकी देखो क्या होता है, कोरोना बहुत बढ़ रहा है। टाइम इज 10:23 और एडिटिंग इज ओवर, अभी सारे ऑलमोस्ट सोने आ रहे हैं इस वाले रूम में, मतलब मम्मा पापा आ रही हैं, दीदी भी जा चुकी है, कपड़े चेंज कर लिए होगी पता नहीं, और सारा आज का काम कंप्लीट हो चुका है, रेंडर कर रहा हूँ फाइल को और इसके बाद सोएंगे। तो बता देना कमेंट करके कैसी लगी आज की वीडियो, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दिए हाँ, और अगर नहीं हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलना, और अगर नहीं हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।